मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में आज स्ट्रीट कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में मुंब्रा शहर के स्कूल के बच्चों ने शामिल होकर एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी और आज़ादी के क्रांतिकारियों के वेशभूषा और कुछ बच्चे धार्मिक संस्कृति को सबके सामने बेहतर तरीके से पेश किया है। इसके अलावा गीत संगीत और बच्चों ने मनोरंजन जूडो कराटे का खूब आनंद लिया है। साथ ही माउंट मैरी स्कूल की छात्रा ने पृथ्वी पर फैल रही प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसके बारे में भी प्रदर्शनी के जरिए लोगों को जागरूक किया है। आपको बता दें कि चौथा स्ट्रीट कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन महिला संघर्ष की तरफ से रूता अवार्ड ने हर साल की तरह इस साल भी किया और बड़ी संख्या में इस फेस्टिवल में लोग शामिल भी हुए थे। मगर वहीं इस फेस्टिवल के दौरान लोगों को ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। कौसा के तरफ जाने वाले रास्ते पर फेस्टिवल हो रहा है, वहीं कौसा से मुंब्रा रेलवे स्टेशन के तरफ जाने वाले रास्ते पर जाम लगा हुआ है, क्योंकि इसी रास्ते पर आने और जाने वाले दोनों वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। इस वजह से काफ़ी देर तक जाम जैसी हालात बने रहे। फेस्टिवल अपनी जगह है, मगर लोग सवाल उठा रहे हैं कि पूरे रोड पर एक तरफ फेस्टिवल तो दूसरी तरफ आने जाने वाले लोगों को तकलीफों से सामना करना पड़ रहा है और यहां पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक में लोग फंसे रहे। मगर वहीं इस फेस्टिवल का क्रेज लोगों के सर चढ़ा हुआ था। फेस्टिवल में भी भारी भीड़ देखने को मिली है। इस फेस्टिवल के आयोजक रूता अवार्ड और टीचर सैयद जाहिद अली और एक स्कूल की छात्रा ने इस फेस्टिवल को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये प्रोग्राम प्योरली संघर्ष का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एनसीपी से ही जुड़े हैं। सो संघर्ष आल्सो इज अ ब्रांच ऑफ एनसीपी, लेकिन दिस प्रोग्राम इज कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल। तीन सालों से ये तीसरा या चौथा कार्निवल है। पिछले दो साल लॉकडाउन के होने की वजह से ये हो नहीं पाया था। अलहमदा मुंब्रा कौसा के सभी स्कूलों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम यहाँ पर लगाए गए हैं, एग्जीबिशन है, बच्चों ने ड्राइंग अपनी अपनी जितनी भी कलाकारी है, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं अलहमदा ये भी उर्दू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्कूल है, 77 नंबर का। बच्चे जो है गेटअप में आए हैं, जैसे कि आप जानते थे अमृत महोत्सव 75वां सालगिरह मनाई जा रही है, तो बच्चों ने जो है ख़ासतौर से उसका ध्यान रखते हुए जो अपना गेटअप लिया है। स्कूल आज जो है ये तकरीबन तीन साल के बाद होने की वजह से बच्चों के अंदर जोश है, और संघर्ष को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इसका आयोजन किया है। रूता मैडम ने उनको भी धन्यवाद कहता हूँ, और पेरेंट्स को भी जिन्होंने बच्चों के ऊपर मेहनत की, टीचरों ने बच्चों के ऊपर मेहनत की, और बच्चों ने जो है एक अच्छा एग्जीबिशन और अच्छा प्रोग्राम पेश किया, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ।